तो ये देखिए मस्त ना इधर जाली लगा दिया हूँ और डबल लगा दिया हूँ। सिंगल में ना एकदम ट्रांसपेरेंट हो जा रहा था, पूरी रोशनी ना उस तरफ जा रही थी, इसलिए इसको डबल कर दिया हूँ। उसके बाद ठीक रहेगा, इसमें बोरा बांधूंगा, बोरा के बाद लाल कपड़ा बांधूंगा तो पानी ठंडा भी रहेगा और रात को जमा लिया करूँगा थोड़ा सा पानी, ताकि इसी में बर्फ़ बनेगा ना तो इसमें डाल सकूँगा हल्का सा। और दोस्तों क्या हाल चाल, सब मस्त है? वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, आपका एक और नए ब्लॉग पर स्वागत है। तो अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और आज तारीख है 5 शायद, आज फ्राइडे है तुम्हें तो पता है। और अभी पन्नी लेने आ गया हूँ, पानीपुरी की पन्नी ना गिन के हम लोग इसी में भरते हैं अभी, क्योंकि गर्मी भी आ गई है, इसी चक्कर में ना फुर्ती नहीं है, ठीक रहता है। तो अभी दोस्तों बाज़ार में आ गया हूँ, मंडी में। अब यहाँ पर मतलब प्याज लेना है, बोड़ी भी लेना है, आलू नहीं है? कब आएगा आलू? शाम को आ जाएगा? कब आओ? ग्यारह से तो नहीं हुआ अभी। और ये प्याज कैसी है कट्टी में? बोरी में 20 रुपये है और खुला में 22। शाम को ले जाऊँ चलेगा? अभी क्या करता हूँ पता है, टेम्पू ले जाऊँगा, शाम को ले जाऊँगा, अभी खुला ले जा रहा हूँ आधा किलो। ऐ पन्नी दो ना, पन्नी शाम को ले जाऊँगा ना भैया, पूरा तो मेरे को अभी जाना है दूसरी जगह अभी ना, समझ रहे हैं? शाम को चेतक लाऊंगा इधर ही और आलू भी ले लूँगा, आलू आ जाएगा तो, नहीं तो एक या दो कट्टी प्याज ले जाऊंगा। कहाँ भाव पड़ेगा सही बताओ ना, प्याज और थोड़ा सस्ता उससे, प्याज तो एक नंबर है, वैसे साफ सुथरा है, प्याज बढ़िया है। कितने का? तभी दोस्तों जा ही रहा था, डिजिटल फोन करवा दिया है भाई, 40 रुपये की। मसाले वगैरह तीखा रहेगा ना? हाँ 12 बज गए हैं और अभी तो मालूम है इसमें बोरा नहीं बांधा हूँ, इसमें भी नहीं बांधा हूँ, उसमें भी नहीं बांधा हूँ। कल तो दुकान बंद ही कर दिया था और कल याद ही रहा मेरे को पानी की बोतल लाने का। आज जाऊँगा, आज सुबह जहाँ प्याज लेने गया था ना वहीं पर लाऊँगा, एक कट्टी प्याज लाऊँगा और पानी की बोतल ले, ओ पेटी ले आऊँगा 6-7 ठो इकट्ठा लोड करके, वहीं पर दुकान है उनके भी। उसके बाद ठीक रहेगा, इसमें बोरा बांधूंगा, बोरा के बाद लाल कपड़ा बांधूंगा तो पानी ठंडा भी रहेगा और रात को जमा लिया करूँगा थोड़ा सा पानी, ताकि इसी में बर्फ़ बनेगा ना तो इसमें डाल सकूँगा हल्का सा। ये हो गया दो चीज़। दुकान लेके आ गए हूँ दोस्तों और कूलर वगैरह तो निकलने लगा, ये देखो साफ सफाई चालू हो गई है कूलर की, 24 GB लगे हुए हैं, हम भी लग जाते हैं भाई। अब यहाँ पे मैं तिरपाल निकालना बांधने के लिए और देखना तो इसमें रस्सी नहीं है। अब पीछे दुकान तरफ जा रहा हूँ, अब चक्कू भी रख लूँ, काट के लेके आता हूँ। रस्सी मिल गया है दोस्तों, पकड़ आइए ना भैया, एक बार पकड़िएगा ना। तो भैया रस्सी दे दिए हैं, ये देखो अभी कूलर देखो इतना मस्त है, एक नंबर। मतलब दिन भर मैं धूप में रहता हूँ ना अभी और इसके सामने आया ना अभी तो इतना गजब को लगता है ना अब, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाएगी। आप लोग कमेंट करते हो कि कूलर लगा लेना, कूलर लगा लेना, लगा तो सकता हूँ छोटा सा, लेकिन वही तबीयत ख़राब हो जाएगी भाई, एकदम बनेगा ही नहीं। घर में एसी लगाने का भी सोच रहा था, घर में एसी लगवा लूँगा, रात भर एसी में सोऊँगा और यहाँ मान लो दिन भर गर्मी में रहना है, लपट में लू चलेगी तो उसमें भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो दिक्कत होगा फिर। सूरज रस्सी। दाढ़ी बनाना है किसी का? दाढ़ी भी बनाना है? बनाना है? कितना? नहीं मेरे पास पैसा ना, बिल हुआ बाद में। हाँ जी ठीक, अच्छा 10-10 से 2-4 में रहना है आपका पीछे, 10-10 से 2-4 था तो सौ रखी ना, तो पैर लगेगा ना टकरा जाऊंगा। आप 3 टू पैक करना है आपका, 1 टू खाएंगे। अब
अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं, वही 500 विसर्जन हुई है, धूप इधर से आने लगी है। ये देखो तिरपाल कहाँ पे बंधा हुआ है मेरा, और धूप तो कहीं यहाँ तक है, वही जो ग्रीन में लाया हूँ मैं, इस साल बना था, जैसे पिछले साल बना था ना वैसे ही बांधूंगा। आइए भैया फटाफट, आंधी आ गया है, उसको बांधने से जो गर्म हवा चल रही है ना डायरेक्ट, मतलब स्लो हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये देखिए मस्त ना इधर जाली लगा दिया हूँ और डबल लगा दिया हूँ, सिंगल में ना एकदम ट्रांसपेरेंट हो जा रहा था, पूरी रोशनी ना उस तरफ जा रही थी, इसलिए इसको डबल कर दिया हूँ। और यहाँ पे साफ़ी लगा दिया हूँ क्योंकि ना इससे जो रोशनी जाती है ना वो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ती थी, इसके ऊपर, उसके बाद पूरा वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ वहाँ पूरा चेहरे पर। अभी ठीक है भाई, अंदर में ना थोड़ी सी ठंडक लगती है, अभी यहाँ पर ना एक कूलर होता छोटा सा तो मज़ा आता, और मैं लगाता किस जगह पर जुगाड़ बना के उस जगह पर लगाता, ये जो कोना देख रहे हैं ना इस जगह पर, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बना दे रहा हूँ टिक्की, खत्म हो गया है टिक्की, वही कम ही बना के लाता हूँ इसलिए यही बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सांचा बन गया है वाला, अब टिक्की बनाऊंगा इसी से। चाट बना दो ए भैया, चाट हो गया आपका। तो टिक्की बना लिया हूँ, फुलकी के 1.5 पन्नी खत्म हो गई है, 1.5 पन्नी मान लो बाकी है, 3 पन्नी रहा था, गर्मी में ऐसा ही है भाई। शाम को ना 6 बजने वाले हैं, चाट खत्म हो गई है, पानी पूरी थोड़ी सी बची है, और जा रहा हूँ भाई मैं, इसे पानी भी खत्म हो गया है, पानी खपत 2-3 डब्बल लाता हूँ फिर भी कम पड़ ही जाता है। अभी जाऊँगा वहीं बाज़ार, प्याज़ी कट्टी ले लूँगा एक, और पानी की पेटी ले लूँगा 5 पीस ले लूँगा, इसमें जितना आ जाए, आलू भी लेना था यार, क्योंकि नवरात्रि में फिर वही टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ मान लो मिला दुकान लगाऊँगा एक दिन, उसके बाद ईद आ रही है तो ईद में भी लगाऊँगा, कल इसका कहीं हुक गिर गया तो ये मेरे को पन्नी से बांधना पड़ता है ऐसे करके, समझे में नहीं आया कहाँ गिर गया यार, ये बंधा गया, ये लो ये भी हो गया। आज ग्रीन नेट लगाए थे ना और साफी डाला था, उसके बाद ना थोड़ी सी ना मतलब जो गर्म हवा डायरेक्ट आती है वो नहीं आती, सही रहता है भाई थोड़ा सा। और ये मेरा फुसफुस, और अभी दोस्तों ना चेतक का साउंड काफ़ी अच्छा हो गया, इसके पहले ना एक नेट ढीला था, अब तो उसको मैं घर में ट्राई किया टाइट करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने कल 4-5 काम किया, एक काम मेरा छूट गया, मेरे नए वाले बाइक की सर्विसिंग नहीं हो पाई। अभी चलता हूँ, अभी मैं जाना पड़ेगा इस रोड में, तो इस रोड में जाऊँगा, दूसरा से सामान वगैरह पूरा ले लूँगा कम्प्लीट। तो अभी आ गए हो दोस्तों, पानी का पेटी ले लेता हूँ, अब वही बात है ना पानी की पेटी यहाँ रखूँगा फिर वो सामान कहाँ रखूँगा। आ तो जाएगा दीपक, ले आओ देखते हैं, जुगाड़ बनाते हैं, ले आओ तो 4-5 ठो ले आओ, 5 ले आओ ना, 5 ठो ले आओ ना, 5 ठो सामने में जगह खाली है, इधर भी रख डलवा लूँगा, यहाँ रखवा लूँगा 1-2 ठो, इधर आ जाएगा। सबको एक में कर देता हूँ ऐसे करके, 2 इधर आ जाएगा और 3 उधर आ जाएगा सामने तरफ। आ गए दीपक भैया हमारे, कहाँ हाँ रख दीजिए ना, 8 सामने कर दीजिए, सामने
ये वाला सामने नहीं यार, वो वाला सामने है। दो ठाव, हाँ दो ठाव लाइए, इसको भी सामने रख देता हूँ। पहले जब मेरे पास चला था ना, जो व्लॉग मेरा पुराना देख रहे हैं, तो मैं ना थकता था घर में जाके एकदम फ्लैट, एकदम मतलब इतनी ज़्यादा थकान होती थी, ढकल के आना ढकल के जाना। और अभी भी मान लो थकान होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन पहले के मुकाबले ना, अभी के मुकाबले मेरा शरीर पहले फिट था, ये सच्चाई है भाई। ठीक है दीपक, चलते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि प्याज टमाटर जो धनिया पत्ती लेता हूँ ना, उसको भी अभी भी ले आऊँ। तो ये बोरी का वजन कर रहे हैं कितना है, ये 38 किलो है, 38 किलो 800, 38 800। ये कितना देना है, 39 मान लीजिए, 1 बोरा देना है, 39 780 रुपये हो गया, 20 रुपये के भाव से। अगर 40 किलो होता तो 800 का हो जाता, 780। तो मेरे को देना है, सुबह का मेरा पैसे जमा था 1 किलो प्याज का, 750 देना है मोटा मोटी, है ना। उसी तरफ बस हो तो गया, धन्यवाद। 1700-1800 की सेलिंग किया था, 1800 की सेलिंग हुई थी, ज़्यादा हुई नहीं। 100 रुपये का चुनू भी आ गया, सामान ले लिया, 400 का पानी हो गया, 80 रुपये पेटी दिया, पहले 75 दे रहे थे, अभी गर्मी ज़्यादा आ गई है इसलिए शायद रेट बढ़ गया होगा, या फिर बढ़ा दिए होंगे। 500 और 800, 8 5 13, 5 6 100 बचे हैं मेरे पास बस। तो प्याज के बोरी, तो प्याज का बोरी तो अंदर रख दिया, अब ये पानी भी रख देता हूँ। लाइट चली गई है, लाइट गई है तकरीबन कितने देर हो गई पापा? आधा घंटा हो गया, आधा घंटा ज़्यादा हो गया है। मेरे पापा जब उधर से आए थे ना अनिल की तरफ से, मैं यहाँ कहाँ खड़ा हूँ, इसको रख के बता सकता हूँ ना यार आपको। ठीक है योगेश, आ जाऊँ? हाँ बस नहीं, हो गया रहने दे। ठीक, योगेश यहाँ पे खड़ा होकर पूछ रहा था ये क्या है भाई। योगेश बता क्या है? पता नहीं, वही तो नहीं समझ में आ रहा, जवारा टाइप से दिख रहा है, अभी नवरात्र भी नहीं आ पाया है। आप लोग को पता हो तो कमेंट करके बताना कि ये क्या है। ओ भाई भाई।